Good morning, students. How are you? I am your English grammar teacher for classes 3 and 4. I will be teaching you essay writing. Topics पे हम आपको discuss करके लिखना सिखाएंगे. Points, at least 10 lines. 10 की 12 भी हो सकती हैं. आप जितना अपने मन से लिख सकते हैं, 15 lines भी लिख सकते हैं. That is not a problem. Class 3 and 4 बड़े बच्चे होते हो आप लोग. आप उसको अपनी फैमिली के बारे में आप भी बहुत कुछ लिख सकते हो. पहला टॉपिक है माय फैमिली. ओके, तो फैमिली आपको, फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली मतलब परिवार. आपके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो ये आप बताएं. इवन आप जॉइंट फैमिली में भी लोग रहते हैं, उनके अंकल आंट भी रहते हैं, आपके कज़न्स भी रहते हैं, तो आपको कुछ लाइंस अपने फैमिली के बारे में लिखनी है ना. शुरू करते हैं. तो फैमिली इज़ द बैकबोन ऑफ आवर लाइव्स. मतलब फैमिली जो है हमारे जीवन की आधार है. आधार है मतलब वो पिलर है, एक तरह से नींव है. इन ऑल आर अप्स एंड डाउन्स, मतलब हमारे दुख सुख में फैमिली जो है वो सपोर्ट करती है. आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डैश मेंबर्स, मतलब आपके फैमिली में मान लीजिए 5 हैं या 4 हैं, मम्मी पापा के साथ आप 2 भाई बहन हो, तो 4 लोग हो गए. तो आपको अपनी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो काउंट करके नंबर लिखना है, इसीलिए डैश लगाया है. ठीक है, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डैश मेंबर्स. 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. टू माई फैमिली आई हैव, इन माई फैमिली आई हैव, जैसे अब आपका एक भाई है या 2 भाई हैं तो आप 2 भाई 2 लिखिए, 1 है तो 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, या 2 बहनें हैं तो 2 लिखिए. आपको नंबर दिखना है यहाँ पर डैश में. पेरेंट्स, आई ऑल्सो हैव माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज. ग्रैंड पेरेंट्स को कभी कभी कुछ बच्चे नाना नानी के पास भी रहते हैं, पढ़ने, जैसे पढ़ने के लिए आपको जाना है तो क्या शहर में, तो नाना नानी के पास भी बच्चे रहते हैं. आई ऑल्सो हैव माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज, विलेज में रहते हैं, गाँव में. माई फादर इज़ डैश, मतलब आपके फादर क्या हैं. माई फादर हैज़ अ शॉप, या माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, या माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, माई फादर इज़ अ टीचर, कुछ भी लिख सकते हैं. माई फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर, या माई फादर इज़ एन पायलट, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपके पापा हैं. माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ और अ टीचर, और शी वर्क्स इन अ ऑफिस. तो आपकी मदर क्या है, हाउस वाइफ है, तो आप हाउस वाइफ लिखिए. मैंने ये लाइन बनाई है, उसके बाद आपको साइड में अगर टीचर लिखना है तो टीचर लिखिए, या जो भी आपकी मम्मा हैं वो आप लिख सकते हैं. माई फादर्स नेम इज़ डैश मिस्टर, आपको लिखर्स नेम इज़ मिसेस शांति देवी, या कुछ भी जो आपकी मम्मी का नाम है. माई नेम इज़ दिस, आप अपने नाम का लिख लिया, माई नेम इज़. आप अपने भाई बहनों के नाम भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर्स नेम इज़ दिस, माई सिस्टर्स नेम इज़ दिस. ठीक है, वी ऑल हेल्प ईच अदर एंड लुक आफ्टर ईच अदर इन हार्ड टाइम्स, मतलब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और देखभाल करते हैं. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करते हैं इन हार्ड टाइम्स, परेशानी में, तकलीफ में, दुख सुख में एक दूसरे की मदद करते हैं. आई एम थैंकफुल टू गॉड, मतलब हम बहुत थैंकफुल हैं गॉड के फॉर सच अ गुड फैमिली. आई लव माई फैमिली वेरी मच. आपको समझ में आ गया, ये आपको होमवर्क के लिए भी लिखना होगा और इसको आपको याद करना होगा. ठीक है, ओके. नाउ माई सेकेंड टॉपिक इज़ अबाउट माई कंट्री.